गाइज वी आर रेडी टू राइड, हमारी पैकिंग हो चुकी है पीछे। ये तीनों बाइक रेडी हैं और मैं दिखा दूँ, ये है हमारा ले पैलेस, पीछे ले पैलेस है। और इस यहाँ पे होम स्टे में रुके थे, मगर कोई ख़ास होम स्टे नहीं है, बेकार है, रात गुजारनी थी गुजार ली, बस अब निकल रहे हैं। अब ब्रेकफास्ट करेंगे कहीं आगे अच्छी जगह पे और थोड़ी शॉपिंग करेंगे, फिर निकल जाएंगे अपना दिल्ली को। और आज मैक्सिमम सोनमर्ग तक पहुंचने की कोशिश करेंगे पूरी, देखते हैं, बाकी वेदर पे डिपेंड है। रास्ता तो बहुत अच्छा है, क्यों जी? हाँ जी, रूट बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया रूट है, बहुत इंजॉय हो रहा है। बस निकलेंगे चांगला में, जो बर्फ पड़ी है उसमें बहुत मजा। लाइफ का सबसे खतरनाक एक्सपीरियंस। चलते हैं, जय शंकर की जय, भोले। चल पड़े हैं अपने सफर पे। ये देखिए सामने है ले पैलेस, ये सामने ले पैलेस, ये कोई मोनेस्ट्री है ऊपर। और रात को हम यहीं पे रुके थे, आई थिंक 2-2.5 किलोमीटर मार्केट से अंदर है। कॉस्टली रूम मिल रहे हैं आजकल, ड्यू टू बहुत यहाँ पे टूरिस्ट आया हुआ है और कहीं भी रूम पे जगह नहीं मिल रही, ढूंढनी पड़ती है, मिल जाती है, लेकिन रात बहुत हो गई थी, थके हुए थे, इसलिए जो मिला हमने वहीं रुक गए। तिप्तिन मार्केट है मेरे राइट हैंड पे, कोई भी गर्म कपड़ा लेना हो तो यहाँ से मिल जाता है। और ये मेन गेट ले का। बस बच चुके हैं, भाइयों ने पेट्रोल डलवा लिया है, अमित ने और जोगिंदर भाई ने, दोनों ने अपनी बाइक में फिल करवा लिया है। बस अब वेट कर रहे हैं मेरा, अब हम निकलेंगे सीधा। बाइकर देखो कितनी लाइन लगा के खड़े हैं, सुबह सुबह तो यही हाल होता है यहाँ पे, जिसने करदुंगला जाना ले जाना है। लेफ्ट को जाएंगे तो मनाली वाला रूट है और सीधा जाएंगे तो श्रीनगर वाला रूट है, तो हम जा रहे हैं श्रीनगर वाले रूट से। कारगिल है 240, निम्बू है 32। तो गाइस हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है पूरा, हम थे A1 रेस्टोरेंट में और बहुत ही बढ़िया खाना था इनका यार। और ये कौन सी जगह है? ये फ्यांग। फ्यांग? यस सर। ये ले से कितने किलोमीटर होगा? आई थिंक 6-7 किलोमीटर, 6-7 किलोमीटर ले से पहले है इनका रेस्टोरेंट और बहुत ही बढ़िया खाना है यार। कभी भी कोई आए तो यहाँ पे जरूर आप खाना खाना। YouTube चैनल का, चैनल का नाम जाट ऑन व्हील, जाट ऑन व्हील, जाट JAAT जेट ऑन व्हील, जेट ऑन व्हील, व्हील्स व्हील्स भैया। हाँ भैया, का नाम क्या है आपका? स्टेंजिन सर। तो ये स्टेंजिन है, तो भाई का रेस्टोरेंट A1 कैफे, यहाँ पे बहुत बढ़िया खाना मिलता है यार, आप जब भी आएँ यहाँ जरूर। फ्यांग में, फ्यांग ले से 7-8 किलोमीटर पहले है ना। तो अब चलते हैं भाई। तो अभी मैं हूँ मैग्नेटिक हिल पे, ये पीछे लिखा हुआ बोर्ड, और 2014 में जब आया था यहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक बोर्ड लगा हुआ था, हमने गाड़ी वहाँ तक चलाई थी। और 18 में सिर्फ एक ये बना हुआ था कैफ़े, अब तो बहुत डेवलपमेंट हो गई, पीछे भी बन गए हैं रूम्स और ये स्कूटर्स मिलते हैं यहाँ पे, और वहाँ पे स्कूटर की सवारी होती है और आई थिंक यहाँ पे राफ्टिंग वगैरह भी होती है। तो चलते हैं भाई, लोग तो निकल के आगे, मैं भी चलता हूँ आगे, आगे संगम पॉइंट पर जाएंगे पहले, फिर आगे निकल जाएंगे। ठीक है जी, बाइक लेके आए हैं? अच्छा रेंट पे? ओके ओके, आगे ये 4-5 किलोमीटर देख लेना। ओके सर। तो भाई लोग ये नोएडा से आए हैं और काफ़ी बढ़िया बातचीत हुई हमारी, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब किया भाई ने, थैंक यू भाई। ये मेरे पीछे है संगम पॉइंट, ये पीछे देख रहे हैं दो रिवर एक साथ मिल रही है, और नीचे राफ्टिंग वगैरह भी होती है। ये देखिए नीचे सारी राफ्टिंग की बोट्स हैं और टूरिस्ट बैठे हुए हैं सारे। एक रिवर यहाँ से आ रही है, एक रिवर सामने से आ रही है, दोनों
यहाँ जॉइंट हो रही है, इसको कहते हैं जस्कार संगम पॉइंट। तो चलते हैं, फोटोग्राफी होगी, मैग्नेटिक हिल की भी होगी, यहाँ की भी होगी, अब आगे चलते हैं। लामा यूरू के बाद हम पूरी माउंटेन पे हमने क्लाइम करी है और ये फोटोला पास आ गया है। ये मेरे पीछे है फोटोला पास और इसके बाद पूरी ढलान है। तो थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई है तो मैंने ये रेन कोट डाल लिया है। अब हम बिल्कुल डाउन पे जाएंगे। तो कारगिल अंडर 100 किलोमीटर रह गया है और कारगिल के बाद हम जाएंगे सोनमार्ग, जोजीला पास क्रॉस करके, एक पास बीच में और आएगा। चलते हैं आगे। हाँ, तो व्यू देखो यार, बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत है। और ये विलेज है भाई, इसको हम अभी क्रॉस करेंगे। तो फोटोला पास हमने क्रॉस कर दिया है, हनास्कू विलेज, कारगिल 75, जोजिला 177, यानी कि अभी भी 200 किलोमीटर जाना है, 6-18, 4-5 घंटे अभी और लगेंगे। तो भाई फोटोला क्रॉस करने के बाद एक चेक पोस्ट आता है, उसको उस पर वहाँ पे एंट्री होती है। अब शायद नमिका ला सेकंड पास यहाँ पे आने वाला है 1-2 किलोमीटर बाद, और उसके बाद आएगा कारगिल, और कारगिल के बाद आएगा द्रास। तो ये अभी चल रहा है रूट हमारा, तो वो बजने वाले हैं। तो कारगिल हम विद इन आवर, 1 घंटे में हम कारगिल भी पहुँच जाएंगे 3 बजे तक। तो लो जी, हम पहुँच गए हैं नमिका ला पे। नमिका ला, ये है नमिका ला, 12,198। हम पहुँच गए हैं नमिका ला, ये पीछे है 12,198, 12,198 फीट की हाइट है नमिका ला का। ये पीछे देखिए हम पहुँच चुके हैं, चारों तरफ का व्यू देखिए, बहुत ही खूबसूरत है यार, ये देखिए। और 2 बज चुके हैं, हमने फोटोला पास क्रॉस कर लिया है, दूसरा ये नमिकाला पास कर लिया, अब आएगा सीधा कारगिल। तो आप चलेंगे कारगिल की तरफ, अब हम डाउन जाएंगे, नमिकाला से नीचे उतरेंगे अब, और कारगिल आएगा अब नेक्स्ट, जो है कारगिल। कारगिल के बाद द्रास, द्रास का बाद जोजिला, जोजिला के बाद सोनमार्ग, सोनमार्ग के बाद श्रीनगर। पूरा रूट याद हो गया मेरा। तो कारगिल में मैंने बाइक में फ्यूल फुल करा लिया है और हमने बाईपास से अपना कारगिल को क्रॉस कर लिया है। ये नया रास्ता बना है बाईपास, पहले तो सीधे ही था। कल तो स्नोफॉल ने जान ले ली थी हमारी, 2-3 घंटे बुरी हालत हो गई थी। स्नोफॉल में बाइक चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, एक तो हेलमेट में आगे स्नो जम जाती है, बार बार साफ़ करो, एक हाथ नहीं चलते। देखते हैं भाई, द्रास आने वाला है, 17 किलोमीटर रह गया द्रास, उससे पहले कारगिल वार मेमोरियल होगा, अगर खुला होगा तो देखते हैं। भाई लोग अभी पीछे हैं, वेट करेंगे उनका, अगर बंद होगा तो फिर मैं आगे द्रास चला जाऊंगा, द्रास में रुक के उनका वेट करूंगा, क्योंकि मैं नॉन स्टॉप चला रहा हूं, जब से ब्रेकफास्ट किया उसके बाद मैं नहीं रुका, बस फोटोग्राफी के लिए 2-4 बार बाइक रुकी है, बाकी उतरा नहीं मैं बाइक से अभी तक। और हम पहुंच गए हैं कारगिल वार मेमोरियल, ये हमारा तिरंगा शान से फहरा रहा है। एंट्री है ना अंदर? एंट्री तो है, पार्किंग में लगा दो गाड़ी। सामान के साथ कोई दिक्कत तो नहीं है ना? है, यही लगा दूं आपके पास? तो गाइस, हम पहुंच गए हैं कारगिल वार मेमोरियल पे, और ये देखिए चारों तरफ का व्यू बहुत ही खूबसूरत है। और ये मैं थर्ड टाइम आया हूँ, अभी दोनों भाई पहुंचने वाले हैं, जैसे ही आएगा तो हम फटाफट निकलेंगे सोनमर्ग की तरफ। आज कुछ फंक्शन है जिसकी वजह से शायद रिस्ट्रिक्शन है, कई जगह जा नहीं सकते। हेलो,
तो कारगिल वार मेमोरियल से हम निकल चुके हैं। आज इनका कोई इंटरनल फंक्शन था आर्मी का, जिसकी वजह से बहुत रिस्ट्रिक्शन थी, अंदर कुछ ज़्यादा कुछ देखने को मिला नहीं। वी आर एंटर्ड इन द्रास, वर्ल्ड का कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस है। जैसे मैंने पढ़ा था एक बार कि यहाँ -40 से भी ऊपर कई बार चला जाता है टेम्परेचर। नेक्स्ट अब जोजिला पास आएगा, जोजिला से उतरते ही नीचे बालटाल दिखाई दे जाता है, बालटाल जहाँ से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। मैं दो अभी हम थे 0 पॉइंट पे, यहाँ पे हमने अभी कॉफ़ी पी है। और ये देखिए बादल, सड़क पे बादल आए हुए हैं और बूंदाबांदी चल रही है। और ये बड़ा डेंजरस सिचुएशन होती है इस जोजिला पे, क्योंकि ऊपर से पत्थर कभी भी गिर जाते हैं। बादल के अंदर से जा रहे हैं हम, और ये देखिए धुंध देखिए। एक बार जोजिला निकल जाए बस। अरे देख लो भाई, जोजिला 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 जोजिला, पानी पानी हो रहा है जोजिला, बारिश के कारण नरक बन गया है ये रोड। तो गाइस हम जोजिला पास को क्रॉस कर चुके हैं, और पीछे है बालटाल का रास्ता। ये पीछे ये यहीं से जाता बालटाल का रास्ता, जब अमरनाथ यात्रा शुरू होती है तब ये यहीं से जाना पड़ता है बालटाल को, और नीचे कैंप लगते हैं। तो इस समय बारिश हो रही है, और सोनमर्ग यहाँ से जस्ट 12 किलोमीटर रह गया है। तो अब सीधे मिलते हैं आपको सोनमर्ग। ये देखिए ब्यूटी देखी यार, सोनमर्ग की ब्यूटी, ओए होए होए। तो गाइस वी आर रीच्ड इन सोनमर्ग, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सोनमर्ग हम पहुँच चुके हैं। पता नहीं बारिश के कारण रोका हुआ है, किस लिए रोका हुआ है, ये कन्वे पूरा रोका हुआ है जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए। बारिश के कारण जोजिला में प्रॉब्लम हो जाती है, इसकी वजह से अभी शायद नहीं जाने दिया जा रहा है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं सोनमर्ग, और यहाँ का व्यू यार इतना शानदार है पूछो मत। और अभी 6:40 हुए हैं, तो हम डिसाइड कर रहे हैं शायद हम श्रीनगर ही निकल जाते हैं, अभी समय बहुत है। तो मैं व्यू दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये देखिए व्यू यार, कितना शानदार व्यू है चारों तरफ का। ये देखो सोने पे सुहागा है यार, ये देखो बहुत ही शानदार। तो अभी जैसा डिसाइड होता है मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अभी समय बहुत है यार, अभी निकल जाते हैं श्रीनगर। 80 किलोमीटर के आसपास रह गए हैं, 2 घंटे लगने हैं हमें श्रीनगर में, जाके मस्ती करेंगे साला, कल आराम से उठेंगे, 2 घंटे हमारे बच जाएंगे। तो अमित भाई आ रहे हैं, बस जैसे ही आ जाते हैं उनसे बात करके फिर आगे निकलते हैं। और अब डिसाइड हुआ है कि हम जा रहे हैं अब श्रीनगर, श्रीनगर जो कि यहाँ से लगभग 80-85 किलोमीटर होगा। तो ये है सोनमर्ग, पहले हमने डिसाइड किया था सोनमर्ग रुकेंगे, लेकिन हमें नहीं पता था जोजिला पास में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती तो हमें टाइम लगता, तो हम फिर यहीं रुक जाते। अभी तो पूरा दिन है, 1 घंटा रोशनी रहेगी जब तक हम काफ़ी करीब पहुँच जाएंगे श्रीनगर के। ये जोजिला वाली टनल यहाँ निकलेगी सोनमर्ग से सीधा जोजिला, और ये काफ़ी बड़े तेज़ी से काम चल रहा है इस टनल का। तो 1-8 साल में ये टनल खुल जाएगी मेरे हिसाब से, तो हमें ये जोजिला को पार नहीं करना पड़ेगा जो इतना टफ होता है। और ये कैंपिंग साइट सोनमर्ग कैंपिंग साइट, हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर, और हम आए हैं लेह से डायरेक्ट श्रीनगर, जो कि तकरीबन 450 या 450 किलोमीटर है। और सुबह 10:30 चले थे, और रात को हम पहुंचे हैं यहाँ पे 9 बजे। तो कंटिन्यू राइड करी है हमने, और हाईवे मस्त मक्खन मलाई हाईवे है, कोई दिक्कत नहीं हुई, बस अब खाना पीना खाएंगे। और ये है हमारा डिनर टाइम, और मैं दिखा देता हूँ हम क्या क्या खा रहे हैं। तो सबसे पहले हैं ये आलू, ये है राइस, ये है पनीर, और ये है दाल, ये सब आइटम
हम खा रहे हैं क्योंकि भूख बहुत तेज लगी है, क्योंकि हमने आज लंच नहीं किया क्योंकि भागा भाग रही है। हमने श्रीनगर पहुंचना था, पहले हमारा प्रोग्राम सोनमर्ग पहुंचने का था, लेकिन टाइम से पहुंच गए तो हमने सोचा चलो आगे खींच दो, तो श्रीनगर भी पहुंच गए हम। और अमित भाई, हाँ जी, मौज ले रहे हो? और ये जोगिंदर भाई कैसा चल रहा है? फर्स्ट क्लास चल रहा है, लेकिन भूख बहुत जोर से लग रही है। चलो चावल पास करो, खाते हैं। सच में भूख बहुत तेज लग रही है। और एक बात और, जो भी नया मेरा व्यूअर्स है, प्लीज यार सब्सक्राइब माय चैनल। एट लास्ट दोस्तों, राइड हार्ड, राइड सेफ, वंदे मातरम एंड जय हिंद।